मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियों से आमंत्रित करें हम सबके आदरणीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता की, बिंद की महान जनता की, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान लोकसभा के हमारे प्रभारी और वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री, राज्यसभा के आदरणीय सांसद श्रीमान अजय प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय और यशस्वी सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, सीधी जिले के हमारे अध्यक्ष वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष हमारे सिंगरौली के आदरणीय श्रीकांत देव सिंह जी, सीधी के हमारे यशस्वी विधायक भाई केदारनाथ शुक्ल जी, धोनी के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुंवर सिंह टेकाम जी, सिंगरौली के हमारे विधायक आदरणीय रामलालू बैस जी, चितरंगी के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमर सिंह जी, चुरहट से एक इतिहास रचने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सदन तिवारी जी, देवसर के हमारे यशस्वी विधायक सुभाष वर्मा जी, व्यवहारी के हमारे युवा विधायक भाई शरद कौल जी, अमृत जी, बहन प्रेमवती जी, गोविंद मिश्र जी, के तिवारी जी, शिव बहादुर जी, अब विद्या सिंह जी, अजय पाठक जी, अब पूरी मंच पूरा भरा पूरा है और नीचे भी कई वरिष्ठ नेता बैठे हैं, इतने मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता साथी पदाधिकारी का, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सचमुच में आज जब मैं सीधी आया हूं तो भाव से भरा हुआ हूं। ये बिंद की महान जनता को आज माइक पे बोल के नहीं, आपके माध्यम से, आपके सबके माध्यम से मैं आपको प्रणाम करूंगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं बिंद की जनता को आज प्रणाम करना चाहता हूं। बिंद ने इतिहास रचा, सचमुच में इतिहास रचा, जो प्यार, जो आशीर्वाद, चाहे सीधी हो, चाहे रीवा हो, सतना हो, सैडोल हो, उमरिया हो, मेरे बहनों और भाइयों, बिंद की जनता ने दिया है। मैं आपको आज वचन देता हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी और जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। चिंता इस बात की मत करना कि आज मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। मुख्यमंत्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो जरूरी नहीं जब पद पर रहकर ही काम किया जाए। केवल पद पर रहकर काम नहीं किया जा सकता, और वैसे भी मामा को इतना कमजोर थोड़ी है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज आपके माध्यम से बिंद की महान जनता को हम संदेश देने जा रहे हैं, सरकार कमजोर है लेकिन विपक्ष मजबूत है। अरे हमने जीते तो तुम भी क्या जीते हो, बता दो।
बहुमत आया क्या कांग्रेस का कोई बताए? अरे बोल के बताओ आया क्या? बहुमत तो तुम्हारा भी नहीं आया, 114 तुम्हारी है। अजब बड़ी अजब गजब चुनाव हुआ, वोट हमें ज्यादा मिले, सीट उन्हें ज्यादा मिल गई। अरे लोकसभा के हिसाब से देख लो तो लोकसभा के हिसाब से जब देखते तो 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है और 12 में कांग्रेस आगे है। और ये लोकसभा का रहसो विधानसभा में बन जाता तो हम 140 पार हो जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वोटों में कांग्रेस हमसे नहीं जीती है, जन समर्थन में कांग्रेस हमसे नहीं जीती है, और जनता का जो प्यार है हम पर उसमें तो कांग्रेस हमसे कभी जीत ही नहीं सकती, जीत नहीं सकती। अजीब का माहौल है प्रदेश, सरकार बनी है लेकिन बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं की कहीं का रोड़ा, बसपा ले आओ, सपा ले आओ, निर्दलीय ले आओ, ये बैसाखी वाली सरकार कब तक चलेगी और कब चपक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे, खबरदार कांग्रेसियों ध्यान रखना, लोकसभा में अगर भाजपा जीत गई तो सरकार चली जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे लंगड़ी सरकार बैसाखी वाली सरकार। अरे चाहते तो लंगड़ी तो मामा भी बना लेता है, हमें भी लोगों ने कहा था चाहे तो इस्तीफा दे रहे हो, बहुमत तो उनका भी नहीं है, सबका तो तोड़ लो। मैंने साफ कहा कि जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके बनने वाली सरकार को मैं चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, जब बनाऊंगा शानदार बहुमत की सरकार बनाऊंगा। और कैसी सरकार चल रही है, सरकार की दिखाई दे रही है आपको? 12 दिन हो गए, 12 दिन, 12 फरवरी को श्रेयांश प्रियांश का अपहरण हुआ। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसी घटना अगर कभी हो जाती थी अपहरण की, सोता नहीं था मैं रात रात भर, एक ही चीज दिमाग में रहती थी, कैसे सतबल छुड़ा के हमले आए, जैसे सतुसन छुड़ा के हमले आए। 12 दिन तक सरकार सोती रही, अखबारों में मीडिया में नाटक चलता रहा, इसको उठा लिया है, उसको पकड़ लिया है, इसको देख लिया है। अंतरात्मा में झांक के देखो, जिनके दो दो जुड़वा बेटे चले गए उनके दिल से पूछ के देखो, ऐसा निकम्मा और नाकारापन मैंने नहीं देखा। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा निकम्मा और नाकारापन नहीं देखा। सरकार नाम की कहीं कोई चीज है? सरकार कहीं दिखाई देती है? मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जब मैं मुख्यमंत्री बना, डकैतों का आतंक था, चंबल के बिहलों में भिंडो मुरैना और ग्वालियरों, चंबल संभाग ग्वालियर संभाग रीवा सतना छतरपुर डकैतों का आतंक था, मैं मुख्यमंत्री बना, आज कह रहा हूं आपसे, मैंने पुलिस अफसर बुलाए और सीधे एक ही बात कही थी, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 6 महीने के अंदर अंदर सारे बड़े डकैत गिरोहों का सफाया कर दिया गया था, डाकू या तो मार दिए गए थे या समर्पण कर दिया जेलों में थे या मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। डकैतों का समूल नाश किया, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया, नक्सलवाद को प्रदेश की सीमा के बाहर रोक दिया, लेकिन सरकार को फुर्सत है, कर क्या रही है सरकार? सुबह तबादले, शाम को तबादले, बड़ी बड़ी रिश्ते निकल रही है, बड़ी बड़ी रिश्ते बढ़ गई, हैरत होती है। पुलिस के अधिकारियों का मनोबल गिरा हुआ है, सवेरे कहीं, शाम को कहीं, दोपहर को कहीं। और कर्मचारी बहनों और भाइयों, जरा मैं मुख्यमंत्री का तब क्या व्यवहार होता था ये सोच के देख लो, और आज सोच के देख लो, हर कहीं हर किसी को टाल दो, लटका दो, भेज दो, निकाल दो, त्राई त्राई मची है, प्रशासनिक अराजकता आज मध्य प्रदेश की धरती पर है, प्रशासनिक अराजकता। कौन काम करेगा?
क्या काम करेगा और ट्रांसफर कौन कर रहे हैं, समय पे नहीं आता, मुख्यमंत्री कर रहे हैं या कोई सुपर सीएम कर रहा है, पता ही नहीं चलता। एक तो घटना पेश हुई कि मुख्यमंत्री को पता नहीं चला ट्रांसफर हो गए, बाद में कैंसिल करो कैंसिल करो। मिस्टर बंटाधार रिटर्न हो गया है मध्यप्रदेश में, बंटाधार रिटर्न, फिर तो वापिस जाकर तीन तीन के हटाओ, इसको फेंक दो, उसको भगाओ। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में कोई काम हो सकता है क्या? जोर से बताओ, हो सकता है क्या? प्रशासनिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है और ट्रांसफर भी खाली सीधे नहीं हो रहे, ऐसे नहीं हो रहा है। कितने कह दिया और हो गया, लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पैसा ला और आर्डर ले जा, लाइन ऑर्डर। ये हालत है आज मत धारा कपराई इतराई मची है, विकास के काम बाधित हो रहे हैं, जनता परेशान है। कितने वचन दिए तुमने, कितने वादे किए तुमने, हे किसान भाइयों और बहनों, कर्जा माफ, राहुल गांधी के दावे जोर जोर से दावे के साथ, 10 दिन में माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। राहुल बाबा 60 दिन हो गए रे, अब तक 6-6 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे, 6-6 बदल जाने चाहिए, 60 दिन हो गए। कह रहे बड़े जोर शोर से सबका कर देंगे, हमारे विधायक साहब यहां बैठे, हमने बजट पढ़ा, कर्जा माफी के लिए पैसा कितना, कृषि विकास विभाग के बजट में कुल 6,000 करोड़ रुपया, वो भी केवल कर्जा माफी के लिए नहीं, पूरे काम के लिए। 55,000-56,000 का कर्जा, 56,000 करोड़ का कर्जा, बताओ 6,000 करोड़ में माफ होगा क्या? अरे जोर से बताओ, होगा क्या? मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, पैसा ना धेला बटे सर का मेला, बोले हम नो ड्यूज दे देंगे, नो ड्यूज। हम नो ड्यूज कैसे दे रहे, सबसे कमजोर कौन मिलेगा, बोले सोसाइटी वालों को पकड़ लो, इनकी जबकर दबा दो, आओ सरकारी बैठ पालो, प्रस्ताव पारित करो, लिखो कि आधा तुम दोगे, कहां से दे देंगे सोसाइटी वाले। किसान भाइयों, जो तुम्हारे पास अंश पूंजी का पैसा जो तुमने सोसाइटियों में जमा किया है, वो ही पैसा तुम्हें कर्जा माफी के नोट यूज में निपटा के दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, नोट यूज ले जाओ, कागज के तोड़ के टुकड़े पे कर्जा माफ कर रहे हैं। अरे बैंकों को जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, बताओ सही कर्जा माफ होगा क्या? पहले का सबका माफ, फिर कैटेगरी बना दी, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, फार्म भरो, कहने फार्म, रंग रंग के फार्म, पीले फार्म, नीले फार्म, गुलाबी फार्म, 2 महीना फार्म भरवाने में ही निकाल दिए, और थोड़े दिनों के बाद नोट यूज देंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। टाइम काटू अभियान चल रहा है, शराबा है, धोखा है मध्य प्रदेश के किसानों के साथ। क्या किया है कोई बता देते, 2 महीने में क्या किया है, जनता के मन में तीस है। मैं जहां जाता हूं दर्द फूट जाता है, मामा मुख्यमंत्री तो तुम ही हो, अरे मैं कैसे हूं, मैं अब नहीं हूं, बोले हमने तो तुम ही हो, अरे मैं ये कहने से काम चलता है। मैं जहां जाता हूं जगह जगह जनता मिलती है, जनसर आपको मरता है, एक दिन में गया दूसरी बात से सुझा, रास्ते में गाँव गाँव में लोग काला पीपल से हम निकले, 8-10 हजार की भीड़ कार्यक्रम का माइक लेके रखे, बोले मामा माइक क्या और स्वागत करेंगे, इनका हरा दिया काय का स्वागत, मैंने नहीं स्वागत तो करेंगे, बोलना पड़ेगा। हमने बोलते बोलते कहा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो बिल नहीं उधर की बात कर रहा हूँ, कहने मामा गलती हो गई, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे। अब लोग सभा में कह रहे ब्याज सहित कर, बिल्कुल चिंता मत करो, देख लेंगे इनको, पूरे मध्यप्रदेश में हो क्या रहा है, कौन सी सरकार कर रही। मेरे बहनों और भाइयों, चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है, पाला पड़ गया, ओले गिर गए, भगवान ना करे
मत गिराना मेरे प्रभु, क्योंकि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं जो सवेरे सवेरे हेलीकॉप्टर लेके उतर जाता था किसानों के खेत में, और जितना नुकसान होता उससे ज्यादा भरपाई हम किसान की करते थे। आज कौन पूछता है मेरे बहनों और भाई, मैं जाता हूं कहीं जगह मामा पाले में फसल बर्बाद हो गई, चना मेरे हाथ में पकड़ा है, केवल मामा ढेंकी दबाओ, मिलकर क्यों बोले दबा के देखो, मैंने दबाई तो फट आवाज आई, फट फट फट, एक ढेंकी दो ढेंकी, वो नहीं जीता है और बोले आई नहीं रहे, पहले तो तुम मजाते थे अब तो पटवारी भी नहीं आ रहा, वो क्या जाने पाला क्या होता है, पाले में फसल बर्बाद मुआवजा राहत नहीं मिली, ओले में फसल बर्बाद राहत नहीं मिली। ए भैया कमलनाथ जी, हमने धान के 200 रुपया बोनस के दिए थे, याद है कि भूल गए? अरे जोर से बताओ, याद है कि भूल गए? 200 रुपया कुंटल इस बार फिर हमने तय किया था धान का बोनस देंगे, कांग्रेस ने वचन पत्र में लिखा था कि धान का बोनस देंगे, लेकिन 1750 रुपया मोदी जी वाले भी नहीं दे रहे, तुम तो लाइन लगी करके बाहर लाने नहीं है, खरीदी नहीं हो रही, कहीं जगह टोकन दे दिए कि ले लो टोकन, बाहर लाने नहीं, बोले तुम्हारे में तौल जाओ, तौल के किसान चला जा, पोर्टल बंद हो गया, पोर्टल पर चला ही नहीं रहे, किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उधर सीधी वालों आओ, एक प्रस्ताव पारित करें, बोनस बताओ, बोनस धान का मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? छत्तीसगढ़ में कितने पैसे मिल रहे धान के बताए? अरे जोर से बोलो, 2500 रुपया कुंटल। मध्य प्रदेश वालों, आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब छत्तीसगढ़ में धान के 25 रुपया कुंटल मिल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश वालों ने किसकी भैंस मारी है, हमें 1750 में निपटा रहे, बताओ 2500 मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? कल बालाघाट में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं 2500 रुपया कुंटल धान के, और यहां भी आंदोलन में एक चीज शामिल की जाए कि 2500 रुपया कुंटल धान के लेंगे। बोलो तैयार हो तो दोनों हाथ उठाओ और संकल्प पारित करो कि धान के 2500 रुपया कुंटल चाहिए, भारत माता की 2500 रुपया कुंटल चाहिए। गेहूं की हम घोषणा कर देंगे, पिछले साल खरीदे 2000 रुपया कुंटल, इस साल हमने तय किया खरीदेंगे 2100, याद है कि भूल गए? अब वो 2100 मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? सुनो मध्य प्रदेश वालों, मैं तुम्हारे लिए संघर्ष का ऐलान कर रहा हूं, गेहूं के 2100 रुपया कुंटल चाहिए, अपनी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, चलना बंद कर देंगे, चिंता मत कर, ये नहीं चलेगा, कैसे ऊपर ऊपर बहला दो हमको, और सोयाबीन इस इलाके में नहीं होता, लेकिन बजट में मैं व्यवस्था करके 500 रुपया कुंटल सोयाबीन पे, 500 रुपया कुंटल धान पे, प्याज पे 400 रुपया कुंटल अतिरिक्त, लहसुन के 800 रुपया कुंटल अतिरिक्त, प्याज के ढोए पे, मक्का मक्का में 500 रुपया कुंटल, बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? ये अपने हक की लड़ाई है, और इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद करते हैं, ये बेईमानी नहीं चलेगी किसानों के साथ, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। मैं आज फिर कह रहा हूं, अभी हमारी सांसद जी बोल रही थी, मुकदमे बना दिए गए, केस लगा दिए गए, सुनो सरकार चलाने वालों, अगर जनता के साथ अन्याय हुआ और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ तो सुन लेना, सुन लेना, साफ कह रहा हूं, हम निकलना मुश्किल कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी है ये, रसगुल्ला नहीं है कि खा जाओ, झूठे केस बने, अन्याय की चक्की में पीसे जाए, भ्रष्टाचार हो गड़बड़ हो, नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूछते पत्रकार कि ये टाइगर क्या है, मैं फिर कह रहा हूं साफ, मेरे पास आए कार्यकर्ता, भाई साहब मुकदमे बना रहे, भाई साहब परेशानी हो रही है, भाई साहब विकास रुक गया है, मैंने तब साहब कहा था चिंता मत करना, आंखों में आंसू मत लाओ, टाइगर अभी लड़ेंगे हम सड़कों पे, इसका मतलब
साफ साफ सीधा सीधा शुद्ध हिंदी में जिसको समझना हो समझ ले, हम लड़ाई लड़ेंगे जनता की लड़ाई। अरे संबल के गरीब वाले तुम्हारा क्या बिता बिगाड़ा, मेरे गरीब भाई बहन हटे इनका, प्राकृतिक संसाधनों पे अधिकार सारे गरीबों का है, मेरे सीधी जिले के गरीबों का भी है, सिंगरौली जिले के गरीबों का भी है, ब्योहारी के गरीबों का भी है, रीवा सतना के गरीबों का भी है, मध्यप्रदेश के गरीबों का भी है। अगर हमने अपने गरीबों के लिए संबल योजना बनाई तो बताओ वो जारी रहना चाहिए कि नहीं। मेरी सरकार जाने का कम नहीं है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आई, मैं इस्तीफा दे आया, लेकिन जब मेरे पास कोई गरीब एक कागज लेके आता एस्टिमेट का, मामू मर गए, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट की बीमारी है, इलाज करवा दो, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं एक मिनट की देर नहीं करता था इलाज में, एक मिनट की देर नहीं करता था। आयुष्मान भारत योजना ये सरकार ढंग से लागू नहीं होने दे रही, पैकेज प्राइवेट अस्पतालों के ऐसे ये गरीब को राहत नहीं मिल रही। मेरे पास भांजे भांजी आए, मामा फीस भरना बंद कर दी, फीस भरवा दो। कई गरीब आए बिजली का बिल लेके, भैया 6,000 का आ गया, 7,000 का आ गया। मैं साफ कहना चाहता हूँ बिजली बिल हाथ मतलब 100 रुपया। ए गरीब बहनों और भाइयों, संबल वालों 100 से ज्यादा नहीं देना है। कहीं ने कहा कि बिजली कट गई तो हम जोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चिंता मत करना, ये दादागिरी नहीं चलेगा। बताओ ऐसे बिजली कटनी चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, 100 रुपया में मिलनी चाहिए कि नहीं? इधर उधर की बात करते हैं, अगर कोई मौत हो जाती थी एक्सीडेंट, 4 लाख का चेक मिलता, सामान्य मौत में 2 लाख, अंतिम संस्कार के 5,000, बच्चों की फीस बेटियों का विवाह, और मेरी बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 4,000 जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद में। तुम्हें ये पैसे भी अच्छे नहीं लगे, तुम गरीबों का हक छीनने का काम कर रहे हो। ये नहीं होने देंगे मेरे बहनों और भाइयों, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लेकिन आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं आपसे अपील करने आया हूं। देखो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, पहले दिन से मैं रुकाऊं क्या बताओ? अरे रुकाऊं क्या, चल रहा हूं। कल असम में था, मैं गुजरात गया, मैं बंगाल गया, हम बंगाल गया, वहां भी अजीब दृश्य देखा। दीदी ने हमारा हेलीकॉप्टर, दीदी मतलब ममता दीदी, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो हम क्या रोड से जाएंगे, काम गाड़ी रोक देंगे, तो हम काम तो पाँव पाँव वाले पैदल चले जाएंगे। हम सड़क पे निकल पड़े तो पीछे जनता हो गई और जनता नारे लगे कि टोलगो रोगी जिंदो हे, टोलगो रोगी जिंदो हे, बंगाली में नारे लगे। अरे हमें क्या रोको, अपन तो भक्कड़ है जनता के लिए लड़ने वाले, और इसलिए जनता के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप चिंता मत करना किसी भी कीमत पे, बिंद वालों बिल्कुल मत सोचना कि सरकार नहीं है, अपन अभी जिंदा है, मिलकर काम करेंगे, डट के काम करेंगे, लड़ के काम करेंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, लोकसभा में जीतना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये जरूरी है। तो सरकार के लालच से नहीं करना, देश के लिए जरूरी है। अभी हमारे विधायक जी ने पहले उपलब्धियों का जिक्र किया, हमारी सांसद बहन ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया, विकास के लिए काम करने वाले। अगर आप देखें रेल जैसी उपलब्धि असंभव थी, जिसको संभव करके दिखाया है सीधी जिस धरती पर, असंभव थी मिनी स्मार्ट सिटी, असंभव थी। मैं अभी विकास के कामों को गिनाना नहीं चाहता, लेकिन आपने प्यार दिया है तो हमने भी कसर नहीं छोड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी आज जरूरी है देश के लिए। एक तरफ पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो भारत को बेदम कर दे, पाकिस्तान हम तुम्हें भी सावधान करना चाहते हैं, ये वो भारत नहीं है जब कोई दूसरे प्रधानमंत्री होते थे, आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज पाकिस्तान थर्रा रहा है,
सर आ रहा है, टमाटर ही बंद कर दियो, भाई हालत खराब हो गई कि टमाटर कहां से लाए, फिल्में बंद हो गई, वहां घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ऐलान कर दिया जाए भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, पानी रोक के कश्मीर और राजस्थान में भेजा जाएगा और आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, आतंकवाद को खोद के गाड़ देंगे, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा आतंकवादी भेजने की हिम्मत नहीं होगी। अब दुनिया में पाकिस्तान को मोदी जी ने अलग थलग कर दिया है, मोदी जी जैसे नेता पारदर्शी प्रमाणिकता जिसकी जिंदगी में भारत के मान सम्मान स्थान को जिसने दुनिया में ऊपर बढ़ाया है, अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री कहीं जाते थे पता ही नहीं चलता था कि कोई प्रधानमंत्री आया है, और अब दुनिया में जाए चले जाओ मोदी 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 के नारों से आकाश गूंज जाता है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, निष्पक्ष होकर सोचो, एक तरफ नरेंद्र मोदी संघर्ष का संघ फूक चुका है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, सेनाएं आमने सामने, हमारा तो सेनापति तय है कि नहीं, नरेंद्र मोदी हमारे सेनापति है, सामने वाली सेना में कोई सेनापति है क्या, अरे कहीं दिखाई दे रहा है क्या, बता दो तुम्हारा सेनापति कौन है, अरे हम चुनाव के बाद तय करेंगे, चुनाव के बाद देखेंगे। अरे नेताओं की बैठक में बुआ और बबुआ उत्तर प्रदेश के एक दूसरे का गला काटते थे, जब मुलायम सिंह जी का दौर था, बुआ को मारने की कोशिश हुई थी, बचाने भारतीय जनता पार्टी गई थी, फूटी आंखों नहीं देखते थे, अब बुआ और बबुआ एक हो गए हैं, ममता दीदी उनके संग मिल गई है, केजरीवाल अनशन कर रहे हैं, चंद्रा बाबू अलग दौड़ रहे हैं, एक ही चीज, और राहुल बाबा क्या बात कहूं, इतना बड़ा झुटेला मैंने दुनिया में नहीं देखा, दुनिया में नहीं देखा, रोज रफेल रफेल रफेल, एक बार लेने को बार साबित कर दिया कि झूठ है, केवल हमने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या की रिपोर्ट में, तो अभी सवेरे उठता है रफेल रफेल, मिल गया इसको तो रफेलिया हो गया है, दिनों रात रफेल चिल्लाता रहता है भाई, एक झूठ को सौ सौ बार बोल के मोदी जी पे चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी है हमारा नेता तय, तुम्हारा नेता कौन, आतंक भ्रष्टाचार में डूबे हुए वो लोग जिनने केवल गड़बड़ की, प्रदेश और देश को लूटा है, जब मोदी जी ने कह दिया कि ना खाया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब खाने वालों को पकड़ा जा रहा है तो सब इकट्ठे हो रहे हैं, मारे जाएंगे मारे जाएंगे, ए राफेल पे बात करने वालों पहले जवाब दो, तुमने जमीन पे घोटाला किया, तुमने आसमान में घोटाला किया, तुमने पाताल में घोटाला किया, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजा जी घोटाला, घोटाला पे घोटाला, ईडी के दफ्तर में चक्कर लगा रहे और हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, ये देश को बैठ के खाने वाले क्या मोदी जी का मुकाबला करेंगे। हमें कह रहा था बारात की तैयारी हो गई है, आतिशबाजी चल रही है, बाराती खड़े हैं, सेनाइयां बज रही है, डांस हो रहे हैं, घोड़ी भी आ गई है, ये घोड़ी पर दूल्हा कौन बैठेगा ये तो बता दो, और कहीं ज्यादा बैठ गया तो घोड़ी दुल्हन के द्वार पे पहुंच पाएगी क्या, हमारा दूल्हा तो तय बता दो, नहीं बाद में देख लेंगे, दिल नहीं मिले हाथ मिले, अगर इनकी बैठक में कह दो प्रधानमंत्री जी तो 25 करोड़ के नमस्कार करने लगते हैं, ये तो हाल है, बताओ ये देश चला सकते हैं क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ ये देश चला सकते हैं क्या, इनमें से कोई बन गया तो भारत चलेगा क्या, ये चील और कौवे की तरह अपने देश को नोच डालेंगे मेरे बहनों और भाइयों, और इसलिए इनसे सावधान करना ना, जनता को जाके ये चुनाव किसी व्यक्ति को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, ये सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये भारत के भाग्य और भविष्य को बनाने का चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, धर्म युद्ध, इस युद्ध को हमें जीतना है, और इस युद्ध को अगर जीतना है तो जाओ गांव गांव जाओ, अलग जगह
जागरण का मंत्र फूंको, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाओ, तभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और इस दिल्ली की धरा पर मैं गर्व करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे कार्यकर्ता भाई और बहन दिनों रात जुटेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और अपने अपने बूथ को जिताएंगे, अपने अपने सेक्टर को जिताएंगे। बोलो सब जिताओगे? जोर से बताओ जिताओगे? कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? कोई मतभेद तो नहीं रहेगा? पार्टी जिताना है यार, पार्टी, और इसलिए जी जान एक कर देंगे, और इसलिए ये चुनाव मोदी के लिए, ये चुनाव देश के लिए। याद रखना, मोदी जीतेंगे तो देश जीतेगा, भारत जीतेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जाने के पहले सब चीज बाकी एक छोड़ दो, एक जीत का संकल्प लेके जाओ कि मैं अपने बूथ पे जिताऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और चुनाव जिताकर ही चैन की सांस लूंगा, ये संकल्प लेकर जाओ। बोलो सब तैयार हो? अपने अपने बूथ पे जिताओगे? अच्छा एक चीज और मांग रहा हूं, झोली फैला के चुनाव में 2 महीने का समय, चुनाव तक ये समय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों भारतीय जनता पार्टी को दे दो चुनाव जीतने के लिए। बोलो देने को तैयार हो? अरे 4.5 साल मोदी जी बन गए तो फिर आराम से विकास का काम करेंगे, तो 2 महीना सब देंगे? जोर से सब देंगे? तो आइए हम संकल्प लें कि 2 महीने का टाइम करेंगे, घर घर जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझा उसको भी समझाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये संकल्प हम सब लेंगे। तैयार हो ना सब? तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाए और अपने अपने स्थान पर खड़े रह के हम संकल्प लेंगे कि बाकी सब चीज हमने यहां छोड़ दी, अब जीत का संकल्प लेकर जाएंगे और जिता कर ही चैन की सांस लेंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम जी भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।